पूनम पांडे ने अपनी बोल्ड अदाओं से लोगों के बीच एक खास पहचान बना ली है। लोग उनकी अदाओं के कायल हैं। फिलहाल एक्ट्रेस बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत के शो लॉकअप में अपने गेम प्ले को लेकर चर्चा में है। उनसे जुड़ा अक्सर कोई ना कोई मामला चर्चा में रहता है। इस बीच हाल ही में शो में उनका दर्द छलक उठा, जिस दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ की बात की। साथ ही उन्होंने इस पर डर जताया कि कहीं वो अकेले ही न मर जाएं। पूनम का ये बयान उनके फैंस को हैरान कर रहा है, जिस पर वे तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि पूनम ने क्या कहा, अगर आपने हमारे चैनल एनएन बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। दरअसल पूनम हाल ही में कंटेस्टेंट अंजलि अरोड़ा से बात करती दिखाई दी, जहां वो कहती नजर आई कि उन्होंने अपनी शादी को बचाने की पूरी कोशिश की। वो चाहती थी कि उनकी शादी टिक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक्ट्रेस कहती है, काश उनकी शादी भी टिक गई होती। पूनम ने ये भी कहा कि उनके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो सकेगा और वह अकेले ही मरेंगी। पूनम को इमोशनल होता देख अंजलि अरोड़ा ने उन्हें संभालने की कोशिश की। उन्होंने एक्ट्रेस से कहा कि वो रोए नहीं, सब ठीक हो जाएगा, रोने से कुछ भी सही नहीं होता। उनका यह बयान इस समय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा पूनम ये भी कहती है कि जब वो इंडस्ट्री में नई नई आई थी तो उस समय उन्हें कुछ भी नहीं पता था, जिसके चलते वो भटक गई, जिसके बाद अब जब लोग उन चीजों को लेकर उन्हें ट्रोल करते हैं तो उन्हें काफी दुख होता है। पूनम को यूं अपना दर्द जाहिर करते देख उनके फैंस को काफी दुख हो रहा है। आपको बताते चले कि साल 2018 में सैम बॉम्बे के साथ पूनम पांडे रिलेशन में आई, जिसके बाद दोनों ने कुछ समय की डेटिंग के बाद साल 2020 में शादी के बंधन में बनने का फैसला किया। हालांकि उनकी ये शादी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई, ऐसे में उन्होंने अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया। पूनम ने उस दौरान सैम बॉम्बे पर मारपीट के आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने सैम पर मोलेस्टेशन के चार्जेस भी लगाए थे। पूनम से जुड़ा ये मामला काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।